जैसा कि आप देख रहे हैं कि हाल ही में 22 मई को टीवी के फेमस एक्टर अदित्य सिंह राजपूत का निधन हुआ, ऐसे में अब अदित्य सिंह राजपूत के निधन को बॉलीवुड के फेमस एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के निधन से जोड़ा जा रहा है। दरअसल इसके पीछे की वजह ये है कि यहाँ पर सुशांत और अदित्य सिर्फ नाम अलग है लेकिन सिंह राजपूत सेम है। यहाँ पर इसी के साथ खबर ये है कि जिस तरह से जिस हालात में सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी उनके कमरे में मिली थी और उसके बाद शक के दायरे में कई सारे लोग आए थे लेकिन इस तरह से पेश करने की कोशिश की थी लोगों के सामने कि सुशांत ने खुद अपनी जान दी है, ये तो वहीं पर अब अदित्य सिंह राजपूत को लेकर अगर बात की जाए तो अदित्य सिंह राजपूत को लेकर भी ऐसी ही खबर सामने आ रही है जहाँ पर सब लोगों का कहना तो ये है कि पैर स्लिप होकर उनके सिर पर चोट लगी और उनकी जान चली गई। लेकिन वहीं अब पता लगाने की कोशिश जब करेगी पुलिस तो कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा और इससे ये भी पता चलता है कि यहाँ पर अदित्य सिंह राजपूत का जो हादसा हुआ है उसके पीछे की सच्चाई कुछ और है, क्योंकि यहाँ पर जब सच्चाई सामने आएगी तब जाकर राज खुलेगा, तब जाकर सच सामने आएगा कि आखिर पूरा सच क्या है। जी हाँ, आपको बताते चले कि अब सुशांत सिंह राजपूत के साथ इस तरह से कनेक्शन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सुशांत को भी इस तरह से पेश किया था कि उसकी जान उसने खुद ली है, लेकिन यहाँ पर इस तरह से पेश किया गया है कि अदित्य की जान खुद गई है, लेकिन हो सकता है कि इसके पीछे किसी की साजिश हो, क्योंकि यहाँ पर ड्रग्स की बात हो रही है। लेकिन दोस्तों ने साफ तौर पर इनकार किया है कि आदित्य सिंह राजपूत ड्रग्स नहीं लेता था, ये झूठी खबर है जिसे फैलाने की और आदित्य को इस तरह से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट 9 लाइफ की रिपोर्ट।